मैं हूं निहल, स्वागत है आपका 2 PM शो में। आज हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन के 2 डोज में अंतर से आने वाले खतरे के बारे में और धारा 370 पर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के विवादित बयान पर। साथ ही नजर डालेंगे तृणमूल सांसद नुसरत जुहां की प्रेगनेंसी की खबर पर, जिस पर नुसरत के पति ने कहा कि ये बच्चा उनका नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला ताज़ा कोरोना अपडेट्स के साथ। कोरोना की दूसरी लहर के चलते भारत के लिए अच्छी और बुरी खबरें सामने आई हैं। देश में शुक्रवार को 84,542 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, साथ ही 3,996 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत भी हुई है। लेकिन इसी बीच राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 1,22,592 लोगों ने कोरोना को मात दी है। इस तरह एक्टिव केस यानी कि इलाज करा रहे लोगों की संख्या में 42,085 की कमी रिकॉर्ड की गई है। नए संक्रमितों का यह आंकड़ा पिछले 71 दिनों में सबसे कम है। वैक्सीन के 2 डोज के बीच समय बढ़ाने को लेकर लोगों में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है, ऐसे मामले ब्रिटेन में देखे जा चुके हैं। यह दावा किया गया है अमेरिका के महामारी एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची ने। बता दें, भारत के लिए बयान इसीलिए भी अहम है क्योंकि सरकार ने पिछले महीने ही कोविड शील्ड के 2 डोज के बीच का गैप बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते किया है। साथ ही फाउची ने कहा कि कोरोना की अगली लहर से बचने के लिए लोगों को जल्द से वैक्सीनेट करना जरूरी है। PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक हाईकोर्ट ने चोकसी के भागने का खतरा होने की वजह से जमानत देने से इनकार कर दिया है। बता दें, मेहुल चोकसी एंटीगुआ बारबुडा में रह रहा था, लेकिन 23 मई को वह अचानक लापता हो गया और 2 दिन बाद डोमिनिका में पकड़ा गया। खबरों के हर पहलू पर है हमारी नजर, सलीके से दिखाते हैं हम सच्ची खबर। एक ही ऐप पर आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर। हमारी सोशल वॉल के जरिए हो दुनिया से कनेक्ट। मोबाइल पर एक टैप कर फ्री में पढ़ें हमारा ई पेपर। एक टैप पर देखें इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियो। मृदुभाषी अखबार के QR कोड को स्कैन कर देखें खबरें। अभी इंस्टॉल करें मृदुभाषी ऐप। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह एक बार फिर अपने बयान के कारण विवादों में घिर गए हैं। दरअसल क्लब हाउस चैट का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में दिग्विजय सिंह ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले पर कहा कि जब धारा 370 हटाई गई तब लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं किया गया था। इसी के साथ दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो हम फिर से इस फैसले पर विचार करेंगे और धारा 370 लागू करेंगे। बता दें, इस क्लब हाउस चैट में पाकिस्तान पत्रकार भी शामिल था। तृणमूल सांसद और बंगाली अभिनेत्री नुसरत जहां की नई तस्वीरें सामने आई हैं। इनमें वे प्रेग्नेंट दिखाई दे रही हैं। पति निखिल जैन से अलगाव के बाद से ही नुसरत जहां की प्रेगनेंसी की खबरें भी सामने आ रही थी, लेकिन अब ये कंफर्म हो गई है। दरअसल नुसरत जहां का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वे बेबी बम्प के साथ दिखाई दे रही है। इसी बीच उनके पति निखिल जैन का भी एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि यह बच्चा उनका नहीं है। आज के शो में बस इतना ही। अगले शो में फिर हाजिर होंगे देश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मृदुभाषी।